अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अवार्ड को गणेश नाइक का करारा जवाब, बाप बदलने की ओछी राजनीति मत करो। ये तेरे बस की बात नहीं, तेरे बाप को बोल। माला दर 10 वर्षांनी बाप पसर बदलने की समय नाही ना। पण पवार साहेबांची सुद्धा तुम्ही गणना बाप बदलणाऱ्या अवलादीमध्ये करणार आहात का? एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड भाजपा नेता गणेश नाइक पर लगातार जुबानी हमले कर रहे हैं। हालिया बयान में आव्हाड ने कहा कि मैं बाप बदलने वालों में से नहीं हूं। इस पर गणेश नाइक ने एक वीडियो जारी कर जितेंद्र आव्हाड पर निचले स्तर की राजनीति करने का आरोप लगाया। गणेश नाइक ने कहा है, जनता के हित स्वाभिमान और आगे बढ़ाने के लिए पार्टी बदलनी पड़ती है। खुद शरद पवार भी 3 बार पार्टी बदल चुके हैं। ऐसे में क्या आव्हाड अपने नेता के भी बारे में ऐसा कह पाएंगे कि शरद पवार ने अपना बाप बदलने का काम किया है? आइए आपको सुनाते हैं गणेश नाइक ने क्या कहा। मी पक्ष बदलण्याच्या अनुषंगाने जितेंद्र आव्हाडांनी एक वक्तव्य केलेला आहे की पक्ष बदलणाऱ्यांची औलाद आमची नाही। म्हणजे त्यांनी म्हटलं की बाप बदलणारी औलाद मी नाही। बाप असे की माणूस पक्ष बदलतो तो एकाएकी बदलत नाही। कधी माणसाच्या समाजकारणाला गती यावी, राजकारणाला गती यावी किंवा स्वाभिमान जतन करावा या अशा प्रकारच्या बऱ्याच गोष्टीतून माणूस पक्षांतर करतो। आता बघा ना की माननीय शरद पवार साहेब पूर्वी काँग्रेसमध्ये होते, युवकपासून तर मंत्रिमंडळामध्ये सुद्धा आले ते, नंतर समाजकारण गतिमान व्हावं, राजकारण गतिमान व्हावं म्हणून त्यांनी एस काँग्रेसची स्थापना केली, त्यांनी पुलद सरकारचं नेतृत्व केलं आणि कालांतराने औरंगाबाद मुक्कामी पुन्हा राजीव गांधींच्या उपस्थितीमध्ये काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला। परत पुढे 1999 साली स्वाभिमानाच्याच बाबीवर त्यांनी पक्ष सोडला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली। आता माझं जितेंद्र आव्हाडांना असं म्हणणं की पवार साहेबांनी सुद्धा 3 वेळेला पक्ष बदललेला आहे, मग पवार साहेबांची सुद्धा तुम्ही गणना बाप बदलणाऱ्या अवलादीमध्ये करणार आहात का? माझ्या मते प्रश्न असे की ती माणसाची एकूण गरज म्हणून माणूस पक्ष बदलतो, अशा खालच्या स्तरावर येऊन भाषा करणं योग्य नाही असं मला वाटतं। बता दे की 4 दिन पहले भी जितेंद्र आव्हाड ने कोपरखेड़ने में आयोजित एक कार्यक्रम में गणेश नाइक को नवी मुंबई का सबसे बड़ा हफ्ताखोर बताया था। तब गणेश नाइक ने आव्हाड को खुली चुनौती दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।